हेलो दोस्तों, वेलकम इन एविएशन लर्निंग जोन। आज हम स्पार्क प्लग टेस्ट करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टेस्ट करने से पहले दोस्तों स्पार्क प्लग टेस्टर को ऑन कर दीजिए और कंप्रेसर एयर प्रेशर को कनेक्ट कर दीजिए। अब स्पार्क प्लग को ध्यान से उठाइए और इसका वॉशर निकालिए। ध्यान रहे, स्पार्क प्लग कभी भी हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल सेरेमिक से बना होता है जो जमीन पर गिरते ही टूट जाता है। अब स्पार्क प्लग को लगाइए और ऐसा लगाइए कि वहाँ से एयर ना निकले। अब करंट देने के लिए वायर को स्पार्क प्लग के टर्मिनल में डालिए। अब एयर प्रेशर को ऑन करके प्रेशर को रिलीज कीजिए। ध्यान रखें कि वहाँ पर जो स्पार्क प्लग के लिए एयर प्रेशर दिया गया उतना ही लीजिए। अब टेस्ट करने के लिए टेस्ट बटन को दबाएंगे। अब यहाँ पर स्पार्क उत्पन्न हो रहा है, मतलब स्पार्क प्लग सही है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि जो स्पार्क निकलता है वो ऊपर नीचे दोनों साइड निकलना चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे दोनों साइड स्पार्क दे रहा है। अगर एक ही साइड में स्पार्क दे रहा है, इसका मतलब स्पार्क प्लग में कुछ त्रुटि है। अब स्पार्क प्लग टर्मिनल से वायर निकाल लीजिए और एयर प्रेशर को रिलीज कर दीजिए। ध्यान रखें कि एयर प्रेशर को पूरा रिलीज करने के बाद ही स्पार्क प्लग को निकालना है, अन्यथा स्पार्क प्लग उड़ जाएगा और आपके हाथ को डैमेज कर सकता है। अब स्पार्क प्लग को निकाल के ध्यान से वापस रखें और वॉशर को लगा दीजिए। और इसी तरह नए वीडियो के लिए एविएशन लर्निंग जोन के साथ बने रहिए।